भयंकर अकाल पड़ा था जिसे छपना अकाल कहते हैं। तो अंग्रेज सरकार ने रोजी रोटी देने के लिए यहाँ ये तालाब खुदवाया था। एक आदमी को 5 पैसे, एक महिला को 3 पैसे, एक लड़के को 1 पैसा मजदूरी मिलती थी। उस तालाब के चारों ओर 6-7 टीले हैं, ये गुरुकुल उसी टीले पर बसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। प्राचीन समय से ही हिंदुस्तान के अंदर गुरुकुल का बहुत ही ज़्यादा महत्व हो रहा है, चाहे बात फिर श्री राम के ज़माने की हो या फिर आज के आधुनिक समय की। श्री राम जी भी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहे और वहाँ गुरुकुल में पढ़ लिख करके उन्होंने अपना जो है सारा कार्यभार संभाला। ये यहाँ ये जो बच्चे हैं यहाँ के, ये आर्यनगर के गुरुकुल में रह करके और अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। और कहते हैं कि गुरुकुल के जो बच्चे होते हैं वो संस्कृत में बहुत ही निपुण होते हैं, उन्हें वेदों का पुराणों का ज्ञान जो है बाहर स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों से कहीं ज्यादा होता है। तो और इसकी एक छवि मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी और दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वेद पुराण में मंत्रों में किस तरीके से निपुण हैं। बच्चों, मंत्र कोई अगर आप बोल के बता सकते हैं तो बताइए। देखिए कि किस तरीके से इन बच्चों ने बहुत अच्छे से मंत्र का उच्चारण किया है और शांति पाठ का उच्चारण इन बच्चों ने किसने अच्छे ढंग से किया है। अब लेकर के चलती हूँ आपको यहाँ के संस्थापक आचार्य के पास, आचार्य रामस्वरूप जी के पास, और जानती हूँ इनसे कि ये इन बच्चों की रेख देख किस तरीके से करते हैं, इन्हें किस तरीके से शिक्षा देते हैं और किस तरीके से इन बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है। तो चलते हैं रामस्वरूप जी के पास और पूछते हैं उनसे। गुरु रामस्वरूप जी इस वक्त मेरे साथ हैं और ये इस गुरुकुल से उस वक्त से जुड़े हुए हैं जब इसकी यहाँ पर स्थापना हुई थी। ये स्थापना कब हुई थी और इन्हें इस गुरुकुल के साथ जुड़ने का मौका किससे मिला, ये जानेंगे स्वयं रामस्वरूप जी से। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। प्राचीन भारत में गुरुकुल परम्परा ही थी और ये परम्परा जो है, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय भारत में गुरुकुल परंपरा ही थी। उस समय गुरुकुल के 2 विश्वविद्यालय बड़े प्रसिद्ध थे, तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी। आचार्य चाणक्य जो है वो तक्षशिला में एक आचार्य थे, चंद्रगुप्त भी इसके विद्यार्थी थे। परंतु उसके बाद फिर मुस्लिम शासक आए, फिर इंग्लिश आए, तो उस समय हमारी ये गुरुकुल परम्परा नष्ट प्राय हो गई। फिर महर्षि दयानंद के परम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने सन 1902 में हरिद्वार के पास एक कांगड़ी गांव है, वहाँ उस कांगड़ी गांव में गुरुकुल की स्थापना की, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से आज प्रसिद्ध है। ये जो गुरुकुल है जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये उसी गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की ब्रांच है। अच्छा। 13 अप्रैल 1964 को श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानी स्वामी देवानंद जी महाराज ने इस गुरुकुल की स्थापना की थी और इसका संबंध गुरुकुल कांगड़ी के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है। परीक्षाएं गुरुकुल कांगड़ी ही लेता है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक सारी परीक्षाएं गुरुकुल कांगड़ी लेता है, इससे नीचे वाली परीक्षाएँ हम स्वयं लेते हैं। ठीक है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड, राजस्थान शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय सरकार के सभी विभाग, चाहे होम मिनिस्ट्री है चाहे डिफेंस है, सब ने गुरुकुल कांगड़ी की मैट्रिक को मैट्रिक के समकक्ष और 12वीं को प्लस 2 के समकक्ष और विद्या अलंकार को BA के समकक्ष मान्यता दी है। 13 अप्रैल 1964 को इसकी स्थापना हुई तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, मैं रामस्वरूप शास्त्री दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय में पढ़ाता था और प्रिंसिपल ज्ञानचंद जी दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय के प्रिंसिपल होते थे। ठीक है। और उन्होंने मुझे इस गुरुकुल की अंदर की शिक्षा व्यवस्था संभालने के लिए मुझे 2 वर्ष के लिए यहाँ भेज दिया और मैंने 13 अप्रैल 1964 को ही सबसे पहली क्लास
यहाँ एक ही कमरा बनकर के तैयार हुआ था, उस कमरे में मैंने 13 बालकों की क्लास ली थी। 1964 के बाद तो जो है अब 2019 आ गया है, अब क्या इतने लगातार इतने सालों से यहीं पर है? मैं 1964 से लेकर के और 2001 तक यहाँ प्रिंसिपल पद पर रहा हूँ, प्राचार्य पद पर रहा हूँ, उसके बाद मैं मुख्य अधिष्ठाता पद पर रहा हूँ। मैं यहाँ 26 वर्ष का आया था, अब मैं 80 वर्ष का हो गया, 81वां मुझे लगा हुआ है। हाँ। और मैंने पढ़ाना अब तक भी नहीं छोड़ा है, यद्यपि मैंने पद सारे छोड़ दिए हैं। 55 वर्ष मुझे यहाँ पढ़ाते हुए हो गए, 4 वर्ष मैंने हिसार दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय में पढ़ाया था, 59 वर्ष पूरे होकर के अब 60वां वर्ष लगा हुआ है। ठीक है, तो आपने जब पढ़ाना नहीं छोड़ा है तो कोई किसी प्रकार का पद क्यों छोड़ दिया? पद का अभिप्राय ये है कि पद के पीछे नहीं रहना चाहिए। तो हमारे युवा प्राचार्य हैं, मुख्य अधिष्ठाता भी जो हैं वो ठीक आयु के हैं, जिससे वो इस व्यवस्था को संभाले, और मेरा अनुभव काम कर रहा है, उनकी व्यवस्था काम कर रही है। कोई बात होती है मैं उन्हें सुझाव दे देता हूँ, वे सब मेरा सम्मान करते हैं और उचित सुझाव को मानते हैं। इस समय ये संस्था जो है उन्नति के शिखर पर है। यहाँ पर भारत के लगभग 7-8 प्रांतों के विद्यार्थी हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, नेपाल, और 2 बालक इसी वर्ष ही बंगाल के पूरी शिक्षा प्राप्त करके यहाँ से गए हैं। ठीक है। और इस गुरुकुल का उद्देश्य जो है छात्रों की शिक्षा के साथ साथ उनका नैतिक उत्थान करना, इस गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल। तो आप शिक्षकों, जो आपके पास जो विद्यार्थी आते हैं, शिक्षक उसको किस तरीके से तैयार करते हैं? क्या वो उन्हें प्राचीन पद्धति के द्वारा ही पढ़ाते हैं, या फिर आजकल जिस तरीके से विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है उसी तरीके से? वैसे यहाँ संस्कृत अनिवार्य विषय है। ठीक है। 5वीं से संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी जो है, ये 3 विषय 12वीं तक निरंतर चलते हैं। ठीक है। यहाँ हम उस बालक को प्रवेश देते हैं जो 5वीं पास हो और आगे जो संस्कृत का विद्वान बनना चाहे। इसके साथ साथ आधुनिक विषय भी हैं हमारे यहाँ। हम इंग्लिश 10वीं तक, अंग्रेजी है, मैथमेटिक्स है, और सारे ही विषय जो है यहाँ पढ़ाए जाते हैं। 10वीं करने के बाद बालक जो है वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, कला वर्ग में किसी में प्रवेश ले सकता है। परंतु 11वीं और 12वीं में हम उन्हीं बालकों को रखते हैं जो संस्कृत का विद्वान बनना चाहता है। वो केवल मात्र यहाँ संस्कृत ही मुख्य विषय है, अंग्रेजी भी साथ चलती है, हिंदी, ये 3 भाषाएं निरंतर यहाँ पढ़ाई जाती हैं। 2 विषय कोई भी ले सकता है छात्र। उसके बाद फिर हम शास्त्री करवाते हैं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की। ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। हाँ। जो संस्कृत के विकास में तत्पर है। ठीक है। तो आप, जैसे कि आपने बताया कि आपका मुख्य विषय जो है संस्कृत है, बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर मुख्य भाषा संस्कृत से। आप बता दूँ आपको कि जो संस्कृत है संसार की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, और भाषाओं में से एक नहीं है, सबसे पुरानी भाषा ही संस्कृत है, जिसे जोड़े रखने का काम ये गुरुकुल आज के दिन कर रहे हैं। और ये भी बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जहाँ आज का संसार जो है वो मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा है, वहीं ये गुरुकुल ही हैं जो बच्चों को गुरुकुलों के अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी परोसते हैं। गुरुजी, ये जानना चाहूंगी कि आप बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो क्या वो बिल्कुल जैसे पुराने समय में हम देखा करते हैं, अक्सर टेलीविजन पे देखते हैं या अक्सर सुनते हैं हमारे बड़े बूढ़ों से, कि उन्हें जमीन पर पे बिठा करके और बिल्कुल धोती कुर्ते के अंदर, सफेद कपड़े के अंदर आप उन्हें पढ़ाते हैं, क्या आपका पढ़ाने का तरीका वही है? ऐसा है कि वो युग था जब गुरुकुल जंगलों में ही होते थे, उनकी व्यवस्था जो है कुछ और प्रकार की थी। इस समय आधुनिकता जो है उसके अनुसार भी छात्रों के बैठने की व्यवस्था बेंचों पर है, परंतु गुरुकुल के आरंभ में अध्यापक को चौकी पर बैठना पड़ता था और छात्र को नीचे फर्श आदि पर बैठना पड़ता था। वर्षों तक ये व्यवस्था रही। ठीक है। परंतु फिर गुरुकुल की मैनेजमेंट ने ये विचार किया कि कुछ आधुनिकता भी चाहिए, उससे कोई हानि नहीं है, तो इसलिए छात्र जो है वो बेंचों आदि पर बैठते हैं और अध्यापक के सामने कुर्सी मेज होता है। हाँ।
और अध्यापक बैठकर या खड़े होकर के छात्रों को पढ़ाते हैं। यहाँ छात्रों को घर जाने का अवकाश केवल मात्र वर्ष में 2 या 3 बार मिलता है। 1 महीने का अवकाश जून में होता है, 10 दिन का अवकाश दिवाली पर होता है और 10 दिन का अवकाश सर्दियों में होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी बालक को घर जाने की अनुमति नहीं है, चाहे रविवार हो, संडे हो, मंडे हो, बालक को यहीं रहना पड़ता है। ये गुरुकुल परंपरा है। भगवान राम और भगवान कृष्ण जिन गुरुकुलों में पढ़े थे उसी परंपरा के अनुसार बालकों को पढ़ाया जाता है। यहाँ प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय हवन होता है, ठीक है, संध्या होती है प्रातःकाल और सायंकाल। इसी प्रकार से योगासन सभी बालकों के लिए अनिवार्य है। यह आश्रम व्यवस्था है, सभी बालक अपना सारा काम अपने हाथ से करते हैं, अपने वस्त्र आदि धोना, अपनी सफाई करना। भोजन आदि के लिए हमने 2 पाचक रसोईये रखे हुए हैं, जो बालकों के लिए भोजन आदि तैयार करते हैं, परंतु भोजन के पात्र बालक जो हैं स्वयं अपना साफ करते हैं, ठीक है, और उन्हें हम स्वावलंबी बनाते हैं कि जिससे वो बालक इस संसार में और किसी प्रकार के पुरुषार्थ से वो पीछे न रहें और किसी से आगे ही आगे बढ़ते रहें। इस समय हमारे 85% बच्चे रोजगार में हैं। हमारे यहाँ पर 7 तो प्रिंसिपल हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, ठीक है, और इसके अतिरिक्त संस्कृत के लेक्चरर और संस्कृत के अध्यापक 4 और हैं, ठीक है। स्वामी सुमेधानंद जी भी यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं, जो सीकर से भाजपा के सांसद हैं, ठीक है। तो नीचे से लेकर के यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, जो संस्कृत जो यहाँ 5वीं कक्षा में आए थे और वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं और वहाँ दयानंद चेयर के भी अध्यक्ष हैं। इसी तरह से डॉक्टर ब्रह्मदेव है, जो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग में है। हाँ। तो हमारे वो वकील भी हैं और इसके अतिरिक्त GMS BMS डॉक्टर भी हैं। कौन सा ऐसा विभाग है जहाँ हमारे विद्यार्थी सफल नहीं हो रहे हैं? इस समय 85% बच्चे हमारे रोजगार में हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गुरुजी ये सवाल अक्सर उठाया जाता है कि जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें टेक्नोलॉजी से दूर रखा जाता है, जिस वजह से वो बच्चे जो हैं आज के आधुनिक युग से पिछड़ जाते हैं और जो है आज के आधुनिक युग से वो अपना मेल नहीं मिला पाते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपकी बात से गलत साबित हो रही है कि जैसे ही आपने बताया कि वो बच्चे बिल्कुल अच्छे से अपने रोजगार कर रहे हैं, अपनी आजीविका बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो इसके साथ ही ये थे गुरु रामस्वरूप जी, इसके साथ ही आपको लेकर के चलती हूँ अब हमारे आर्यनगर वाले गुरुकुल के अंदर और दिखाती हूँ कि आखिरकार गुरुकुल के अंदर का माहौल कैसा है, यहाँ के बच्चों का पहनावा कैसा है, किस तरीके से उन्हें भोजन परोसा जाता है और किस तरीके से उन्हें शिक्षा और संस्कार परोसे जाते हैं। गुरुकुल आर्यनगर में जो शिक्षा व्यवस्था है वो प्राचीन गुरुकुलों के अनुसार ही है और हम उस परंपरा को बनाए हुए हैं। यद्यपि गुरुकुल आज बहुत से गुरुकुल जो हैं आधुनिक हो रहे हैं, CBSE से या शिक्षा विभाग से दूसरे ढंग से जुड़ गए हैं, परंतु हमारा गुरुकुल हरियाणा में केवल एकमात्र ऐसा है जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ब्रांच बना हुआ है, ठीक है, और इस गुरुकुल में वही पद्धति है जो प्राचीन काल में विद्यार्थियों को शिक्षा के रूप में जो ये पद्धति थी वही उसी पद्धति का अनुसरण आज भी किया जा रहा है। सभी विद्यार्थी मिलकर के संध्या हवन करते हैं, मिलकर के व्यायाम करते हैं, प्रातःकाल 4:30 या 5 बजे उठते हैं और सायंकाल तक सारा नियमानुसार इनका कार्यक्रम बटा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ एक संरक्षक हैं श्री राजकुमार जी, जो इन सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं, इनके व्यायाम आदि का और इनके दूसरे कार्यक्रमों का, ठीक है। और मैं पंजीकृत वैद्य भी हूँ, इसलिए बालकों को किसी भी प्रकार का रोग होता है तो उसकी चिकित्सा भी मैं करता हूँ। हाँ। यदि कोई भयंकर रोग हो जाए तो हिसार में अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर DD शर्मा, डॉक्टर गुलाटी जी, डॉक्टर अग्निहोत्री और डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता और डॉक्टर नाक कान गले के डॉक्टर गिरधर आदि जो है निःशुल्क सेवा करते हैं गुरुकुल की, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते, ठीक है। तो इस समय ये गुरुकुल हिसार शहर से 5 किलोमीटर और आर्यनगर गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रकार से खेतों में स्थित है और यहाँ प्राकृतिक जीवन है और सभी बालक यहाँ प्रसन्न रहते हैं हर प्रकार से और यहाँ की वेशभूषा कुर्ता कटी वस्त्र है। और ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग कहते हैं जी बच्चे पिछड़ जाएंगे, कोई नहीं पिछड़ते,
इस समय यदि कोई आधुनिक हैं तो गुरुकुल के बालक हैं, सभी इनको पसंद करते हैं। जैसे आर्यनगर में यहाँ जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ श्री रामकुमार गोयल प्रिंसिपल होते थे, और यहाँ हमारे गुरुकुल के एक विद्यार्थी जो यहाँ एक लेक्चरर के रूप में ये संस्कृत के यहाँ प्राध्यापक रहे हैं, तो वो प्रिंसिपल कहते थे कि आपका ये विद्यार्थी है, इसने हमारे सारे इस स्कूल को संभाले हुए है, और नैतिकता का जो ये बालक उपदेश, नैतिकता की जो शिक्षा दे रहा है आपका ये विद्यार्थी हमारे यहाँ, इससे हमारा स्कूल जो है उन्नति के शिखर पर है। यदि ये इंद्रदेव शास्त्री जो दुगलान के हैं, यदि ये यहाँ से निकल जाएंगे तो हमें चिंता इस बात की कि हमारी संस्था को कौन संभालेगा। तो गुरुकुल का बड़ा महत्व है, जहाँ पर भी हमारे विद्यार्थी जाते हैं, जहाँ पर भी हमारे स्नातक सेवा करते हैं, वहाँ उन्हें पूरा यश प्राप्त है हर प्रकार से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही भगवान से गुजारिश करूँगी, दुआ करूँगी गुरुजी कि आगे भी यूं ही आपके विद्यार्थियों को यश प्राप्त होता रहे, और वो यूं ही बाकी के आधुनिक युग को महत्वता समझाते रहें महानता की और संयम की भी। तो ये थी सिटी बिग न्यूज़ की टीम की तरफ से गुरुकुल की यात्रा, जहाँ पर आपने देखा कि इतने मॉडर्न जमाने के अंदर भी, इतने मॉडर्न टाइम के अंदर भी, आज भी यहाँ पुराने ऋषि मुनियों की प्रथाएं चल रही हैं, उसी तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इसके बाद भी काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि गुरुकुल में भेजने के बाद बच्चा जो है वो संत प्रवृत्ति का बन जाता है, वो बाकी के ज़माने से पिछड़ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के बच्चे जितना संस्कृत में निपुण है उतना ही कंप्यूटर में भी निपुण है। जी बिल्कुल, इन्हें अन्य विद्यालयों की तरह कंप्यूटर में भी शिक्षा दी जाती है, अंग्रेजी भी इन्हें यहाँ पर पढ़ाई जाती है। और आगे भी सिटी बिग न्यूज़ आपके सामने इसी तरह की अन्य जानकारियाँ लाता रहेगा। जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। जिसे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।